मायरा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो जो हुआ आई एम सॉरी। माफ अपनों को किया जाता है और तुम मेरे कुछ भी नहीं हो। मेरी बात सुन, मैंने तुझसे सॉरी भी कहा और वो जरा सी बात थी यार। जरा सी बात नहीं थी वो। लोग हैं, कम ऑन, पब्लिक प्लेस में खड़ी थी और मेरी बात सुन। देखो दानिश, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी लेकिन तुमने भी वही किया। दोस्ती की आड़ में तुम्हारी गर्ज कुछ और ही थी। गलत सोचती हो तुम, गलत। उस दिन जो भी हुआ वो सब एक मजाक कर रहा हो। तुम भी ना बाकी तमाम मर्दों की तरह जो बस सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन अपने पास संभाल के रखो, मुझे नहीं चाहिए। आयरा, क्या बात है, आज पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ अपने आने का। हाँ, बहुत इंतजार था तेरा मुझे। क्यों, सब खैर तो है ना? क्यों, तू मेरा भाई नहीं है, मेरा गुड्डू है। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे मैं। अगर तू नहीं आता ना तो कल खुद मैं चलकर तेरे पास आ जाता। ये ले गरम गरम पकोड़े लाई हूँ मैं तेरे लिए, पेट भर के खा। सही खाली पकोड़े, मैं अभी बोतल लेकर आता हूँ। नहीं नहीं भाई, ठीक है, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। क्यों नहीं खाना पीना? इतने दिन के बाद आया है तू, देख कितना कमजोर हो गया है। अब तू जो मुझे बोलेगा मैं तुझे पका पका के खिलाऊंगी। हाँ माँ, कमजोर तो ये बहुत हो गया शोधा। लगता है इसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ है, तभी तो अपनी फिक्र नहीं करता ना। हाँ, अब वो अब्बा कब तक आएंगे? वो राजू बीमार हो गया है ना, तो डॉक्टर को दिखा के तेरा अब्बा फिर आएगा। उसे क्या हुआ? अरे क्या होना है, अब्बा को वहम हो गया है कि जो उसका एक ही पालने वाला बेटा है ना, वो किसी वक्त भी मर सकता है। मुन्ना, तेरी इन बातों की वजह से तेरा बाप तुझे जूते मारता है, तू हर वक्त गलत बात करता है। अरे क्या हमारा कोसने बैठ गया तू? इतनी देर के बाद तो आया शोधा, तो कोई अच्छी अच्छी बात करना। अच्छा तू बता बेटा, तेरे तो आने की कोई खबर नहीं थी, तू खैर से तो आया है ना? हाँ माँ, सब खैर है। अरे बाबा खैर है तो फिर खा क्यों नहीं रहा? ले खा। अरे खा ना बाबा, खा। हाथ में जान नहीं है तुम्हारे क्या? बस रहने दो। क्या हुआ, कोई मर गया है क्या तुम्हारा? अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें करते हैं? ऐसा मुंह बनाकर बैठोगी तो यही कहूंगा ना। आपसे एक बात कहनी थी मुझे। बोलो। आपको अम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आपको तो पता है कि मेरे अब्बू का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी ने हम दोनों बहनों को बहुत प्यार से पाला है। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, कोई बात हो जाए तो घबरा जाती हैं वो। सही तो कहा है मैंने, उन्हें फिक्र होनी चाहिए। कल को उनकी जवान बेटी ब्याह कर अपने ससुराल जाएगी। अगर यहाँ पे आने के बाद ही उसका रवैया ऐसा ही रहा तो ना मैं बर्दाश्त कर सकूंगा और ना ही अम्मी। बर्बाद होकर हाजी अब्बा की दहलीज पर बैठने से अच्छा है कि तुम लोग उसका इलाज करवाओ। और तुम्हारी अम्मी को उसकी इतनी ही फिक्र है ना, तो उनसे कहो कि मेहर का कॉलेज छुड़वा दे, उसे घर में बिठाएं और इस घर के कायदे कवानीन समझाएं। चलो उठो और जाओ यहाँ से, मेरे पैरों में और दर्द हो गया है। बेटा, मैं माँ हूँ तेरी। तेरे चेहरे को, तेरी आंखों को देख के मैं पहचान जाती हूँ तू परेशान है। तो बता ना मुझे, क्या बात है, बता, पैसे चाहिए तुझे? देख, झूठ ना बोल मुझसे, मुझे बता क्या बात है। अम्मा, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरा साथ दोगी? कभी तेरा साथ छोड़ा है मैंने? बता क्या बात है। अम्मा, मैं निकाह करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? शादी करना चाहता है? और तो अपना घर बसाना चाहता है। इतनी बड़ी बात कर दी तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि मैंने तेरे बाप ने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। अरे न धूप देखी, न सर्दी, न दिन देखा, न रात, न तूफान, न आंधी। फुटपाथों पर भागता रहा, मेले कमाता रहा, और सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें अफसर बनाना चाहता हूँ। और तू उस मकाम पर पहुंचने से पहले ही शादी करना चाहता है, मेरे ख्वाबों को चकनाचूर करना चाहता है। नहीं अब्बा, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। नहीं, मुझे ये बता, तुम्हें किसने बहकाया है? अरे किसने पटियां पढ़ाई है तुम्हें, ये मुझे बता, बता मुझे। देख कमाले, आराम से बात कर, ये छोटा नहीं है, बच्चा नहीं है, समझ जाएगा, मैं समझाऊंगी इसको। तू चुप हो जा। अरे कौन सी मैंने तेरी ख्वाहिश, तेरी फरमाइश, तेरी जिद पूरी नहीं की? और भी करूंगा, आगे भी करूंगा मैं, लेकिन शादी का मत सोच, सिर्फ 2 साल तक। अरे 2 साल के बाद मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा, धूमधाम से तेरी मैं शादी करूंगा। ये मेरा हुक्म है, ये मेरा हुक्म है। और मैं जानता हूं कि तू मेरी बात टालेगा नहीं, चलेगा नहीं, नहीं करना तेरी शादी। प्लीज मुझसे बात करें, क्या हुआ उनका, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? तुझे समझ रहा हूं मैं, तुम्हारे बेटे की बात पर मेरे इनकार करने से तुम्हारा दिल डूबा जा रहा है। समझने की कोशिश कर, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा। अकलमंदी की बात ये नहीं है कि वो निकाह करके ले आए और हम खुश होकर बैठ जाएं। भरमदी की बात तो ये है कि सबसे पहले वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। देखो, इन हालात में वो दुल्हन को खुश नहीं रख सकेगा, उसकी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश पूरी नहीं कर सकेगा। तो क्या ये चाहती है कि तेरी बहू अपनी जरूरतों के लिए तरसती रहे? नहीं ना। मेरे ख्याल में गुड्डू ने कोई बहुत अच्छी लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बड़े तरीके वाली, और ऐसी लड़की यकीनन किसी ऊंचे घराने की होगी। देखो व्यवसायी, तुम उसको समझाओ, सबसे पहले वो अफसर बन जाए, फिर भले अपने दुल्हन को ले आए, भी उसका साथ देंगे, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे, खुद ब्याह के लाएंगे, उसे सर आंखों पे बिठाएंगे। कुछ हूं हां भी बोलेगी या ऐसे खामोश बैठी रहेगी? मेरी बात समझ रही है ना तू? सुबह प्यार से उसको समझा देना, चलो उठ, सो जा। पता था, जाग रहा हूं। तुम क्यों नहीं सोए अब तक? नींद ही नहीं आई। खैरियत? हाँ बाबा, सब खैरियत है। कोई बात करनी है, कहना चाहते हो? गुड्डू, हबा ने तुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं एक अनपढ़ जाहिल आदमी हूँ, अपना नाम तक नहीं लिख सकता यार। ठीक है, भानु मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन भाई तुम में उससे ज्यादा क्वालिटीज हैं। तुम पूरत हो, तुम मेहनती हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो यार। वो सब तो ठीक है, पर आज मुझे ना तुझ पर फख्र, खुद पर अफसोस हो रहा है। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत हिम्मत वाला और बहादुर इंसान समझता हूँ। वो मुझे तुझसे काम था। क्या काम था? वो तो मेरे लिए खत लिखेगा। किसको लिखना है? बताऊंगा, पर तुझे वादा करना होगा कि तू अबा को ये बात नहीं बताएगा। ये बात हम दोनों भाइयों के दरमियान रहेगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को, लेकिन लिखना किसके नाम है? मेम साहब के नाम। मेम साहब? मेम साहब कौन है? है एक चांद की चांदनी, परियों की रानी। तब लड़की है कोई? देखो भाई, ऐसे ख्वाब मत देखो जो टूट जाएं और फिर उनकी किरची आंखों में चुभने लगे। इस बात से क्या मतलब है तेरा? भाई तुम एक बंदर वाले के बेटे हो और वो एक मेम साहब है, हमारा कोई जोड़ नहीं है। बाबा ये जो मोहब्बत होती है ना, ये कुछ नहीं देखती, ये जात पात मजहब सब चीजों को फलांग जाती। तुमने एक ऐशो आराम की जिंदगी जी है, तुमने मेरे घर का माहौल और पूरी फैमिली भी देखी हुई है। तुम्हें पता है कि मैं तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा शाहनवाज, जिसमें ऐश और आराम तो हो लेकिन आप ना हो। बाबा क्या सोच रहा है तू? नहीं कुछ नहीं। वो खत लिख। लेकिन लिखना क्या है? लिख। मेरी प्यारी मेम साहब। नहीं नहीं ये मत लिख, लिख मेरी सबसे प्यारी मेम साहब, मैं आपसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार, इतना प्यार जितना चांद अपनी चांदनी से भी नहीं करती, जितना प्यार सुबह अपनी शबनम से नहीं अम्मा ये बस सुबह सुबह मुझसे मिले बगैर चले गए। तेरे लिए पैगाम देकर गया है। मुझे पता है क्या पैगाम दिया होगा। गुड्डू। अम्मा मैं देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। गुड्डू मेरी बात सुन, तुझे पता है मैं तेरा कितना साथ देती हूँ, तेरे अब्बा को ना पता चले कि मैं तेरे साथ हूँ। आप बहुत अच्छी हो। अच्छा जल्दी से बता, मुझे चलना है क्या अभी तेरे साथ? नहीं अम्मा नहीं, अगर अभी गए तो अब्बा को शक हो जाएगा। अच्छा, मेरी बहू लगती कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तू मुझे कब मिलवाएगा उससे? अम्मा एक काम करते हैं, कल आप दिन के टाइम पे किसी बहाने से बाहर आ जाना, मैं आपको ले चलूंगा उसके पास। अच्छा तू निकाह कब करेगा? कल। कल करूंगा, बस आपकी दुआ चाहिए मुझे। अल्लाह तुझे खुश करे, अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरे बच्चे। जा